सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गिर सोमनाथ में मुस्लिम धर्म स्थलों और अन्य निर्माण के कथित अवैध विध्वंस पर यथास्थिति का आदेश देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। शुरुआत में पीठ यथास्थिति का आदेश देने के पक्ष में थी, मगर सुनवाई आगे बढ़ने पर पीठ ने कहा कि इस स्तर पर ऐसे किसी आदेश की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि संपत्तियां वक्फ की जमीन पर हैं, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन ना करे। सिब्बल ने आगे कहा कि ढहाए जाने का कारण ये बताया जा रहा है कि वे स्मारक अरब सागर के पास है और जल निकाय के पास नहीं हो सकते, संरक्षित स्मारक गिरा दिए गए हैं। क्या आपके आदेश के बावजूद इसकी कल्पना कर सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दलीलें दी वो भी सुन लीजिए। गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता ओलिया ए दिन कमेटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, ये सरकारी जमीन है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि कोई भी संरक्षित स्मारक नहीं था, अगले आदेश तक जमीन का कब्जा सरकार के पास रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे में हमें कोई अंतरिम आदेश पारित करना जरूरी नहीं लगता है। याचिका पर कमेटी ने क्या आरोप लगाया वो भी जान लीजिए। बता दें कि ओलिया ए दीन कमेटी ने गुजरात सरकार पर अवैध निर्माण ढहाए जाने का आरोप लगाया। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका भी दाखिल की। ये अवमानना याचिका गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक रोक के बावजूद और बिना पूर्व अनुमति के गुजरात में कथित रूप से आवासीय और धार्मिक निर्माण को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। आइए पूरा मामला जान लेते हैं। गिर सोमनाथ प्रशासन ने 28 सितंबर को मुसलमानों के कुछ पूजा स्थलों, घर और कब्र पर बुलडोजर चला दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश के बाद भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की मांग की गई है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ समस्त पाटनी मुस्लिम जमात ने याचिका दाखिल की है। उसने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 सितंबर 2024 के आदेश के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।